मदर्स डे एंड जैनब ने मम्मा के लिए केक ऑर्डर किया है जो कि हवा के घर पे है. तो मी एंड हस्तैन आर गोइंग टू गेट द केक बिकॉज हम दोनों भी घर पे हैं और जैनब यूनी में अपना पेपर दे रही है. और हम मम्मा को बोल के जा रहे हैं कि मुझे कपड़े चाहिए फॉर माई बीच, विच इज़ ऑल्सो द केस क्योंकि हम अभी बीच पे भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में. देखते हैं चल के कि हमारा केक कैसा बना है. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू गेट फ्लावर्स, लेकिन हम पैसे नहीं लाए. पैसे हैं आपके पास? हस्तैन पैसे लाया तो हम फ्लावर्स भी ले सकते हैं. हवा के घर ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट गोना गो एंड गेट द केक. ये फ्लावर्स लेने हवा के घर में आ चुकी हूँ. बस मैं वेट करी उसका कि ये दरवाजा खोले. मैडम तो प्यारा लग रहा है इसका. हाय बाय आनिया. मैंने अभी चीजें पकड़ ली हैं. तेरा ड्रेस पहन के मैं सबको फ्लेक्स मारूंगी. मेरा ड्रेस है सही है. केक इज हियर एंड इट लुक्स अमेजिंग. बहुत प्यारा लग रहा है.
उसके लिए बड़ी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो इतना आसान नहीं है जन्नत कमाना, बहुत ही मुश्किल तरीन प्रोसेस से तमाम माओं को गुजरना पड़ता है। अपनी रातों को जागना पड़ता है, नींदें ख़राब करनी पड़ती हैं बच्चों के आराम के लिए, उनके सुकून के लिए। जो 5 साल है ना उनकी परवरिश के, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर माँ के लिए। तो ये चैलेंजिंग भी है हर माँ के लिए, इतना आसान नहीं है। तो बस इसीलिए सब माओं को ये कहूँगी कि शुरू के 5 साल जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दें। थैंक यू सो मच हिराज।